वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स और फ्रेजेज लेक्चर में आज हम 5 31st से लेकर के 35th तक इडियम्स और फ्रेजेज कंप्लीट कर लेंगे। आप पांचों को ध्यान से देखिए। पहले जेंटलमैन एट लार्ज, अविश्वसनीय आदमी, गुड सैमरिटन, दयालु व्यक्ति, ग्रीन रूम, नेपथ्यशाला, हेयर ब्रेथ स्केप, बाल बाल बचना, हैंड पिक्ड हस्बैंड, जोर बगुला। इनमें से जो आपने अभी तक नहीं देखा हुआ, याद नहीं होगा, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि पांचों आपको याद रहे। पहले जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी होती है सभ्य, सभ्य पुरुष कह सकते हैं जेंटलमैन की हिंदी। हाँ, मतलब देखने से लगता है कि उस आदमी के पास पैसा है, धनी मानी घर का है। और एट लार्ज की का हिंदी है स्वतंत्र। इसका इंग्लिश भी लिखता हूं, समझने में आसान होगा। यह है फ्री, स्वतंत्र का मतलब फ्री। एट लार्ज खुद ही एक इडियम है और इसका हिंदी स्वतंत्र, मतलब सब पुरुष सब स्वतंत्र है, कोई काम नहीं है। स्वतंत्र का मतलब कोई काम नहीं है इनके पास। इसका क्या मतलब है आप जानते हैं, जो भी व्यक्ति काम करना चाहते हैं, काम तो होता ही है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। इनके पास कोई काम नहीं, मतलब ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। हाँ, तो इसलिए बन गया है जेंटलमैन एट लार्ज। ये कटाक्ष किया गया है और इस तरह से बनाया गया है जेंटलमैन एट लार्ज, एक इडियम। हिंदी होती है अविश्वसनीय आदमी, उस पर ऐसे आदमी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, अविश्वसनीय आदमी। इसका सेंटेंस में यूज, अ फेयर वेदर फ्रेंड। अब देखिए, अ फेयर वेदर फ्रेंड एक खुद ही एक इडियम है, मतलब स्वार्थी, स्वार्थी मित्र। फेयर वेदर क्या, वेदर मतलब मौसम। मौसम जब सुंदर है तो हमारा फ्रेंड, मौसम जब खराब है तो हमारा फ्रेंड नहीं। यहाँ मौसम का मतलब क्या कि हमारी स्थिति, अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो हमारा फ्रेंड रहेगा, और जैसे ही हमें हमें कुछ विपदा आएगी, कुछ समस्याएं आएगी हमारे सामने, वो भाग जाएगा। इस ऐसे फ्रेंड को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, एक स्वार्थी मित्र होता है। क्या होता है? अविश्वसनीय आदमी। देखिए, इसी का हिंदी यहां डाल देंगे, एक स्वार्थी आदमी, एक एक स्वार्थी मित्र, एक अविश्वसनीय आदमी होता है। तो यहाँ पे एक नहीं देखा आपने इडियम, जेंटलमैन एट लार्ज देखा, एट फ्री देखा, ऑल वेदर फ्रेंड देखा, तीन देखा है आपने एक साथ में, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर है गुड सेमेरिटन, पढ़ते हैं इसको, सेमेरिटन लिख देता हूं, सेमेरिटन। सेमेरिटन का मतलब होता है अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, दयालु आदमी, दयालु भी कह सकते हैं आप। और इसी को हिंदी यही दिया गया है, जो सेमेरिटन की हिंदी है उसी को यहाँ पे हिंदी लिख दिया गया है, अच्छा आदमी या दयालु आदमी। गुड सेमेरिटन मतलब अच्छा का भी अच्छा आदमी, दयालु आदमी। तो बनाया गया है गुड सेमेरिटन, दयालु आदमी चाहे अच्छा आदमी, कुछ भी हिंदी कहेंगे आप। अब सेंटेंस में बहुत सिंपली यूज किया है, राम हेल्प्स द पुअर। द पुअर मतलब गरीब लोग, राम गरीब लोगों का हेल्प करता है, बिकॉज क्योंकि ही इज अ गुड समेटन, क्योंकि वह एक दयालु व्यक्ति है। तो पहला हो गया जेंटलमैन एट लार्ज, दूसरा हो गया गुड समेरिटन। नाउ ग्रीन रूम, ग्रीन रूम देखिए, ग्रीन रूम की हिंदी है नेपथ्यशाला। नेपथ्यशाला वह जगह है, जब आप कोई नाटक वगैरह देखते होंगे, जहां भी होंगे, तो आप जब नाटक कोई चल रहा है तो उसके पीछे कलाकार, कलाकारों के तैयार होने का जगह होता है, जहाँ पे वो ड्रेसिंग करते हैं, मेकअप करते हैं, और सीन के अनुसार जो भी सामान चाहिए होता है वहाँ रखा होता है, लेकर फिर आते हैं मंच पे। उस जगह को बोलते हैं जहाँ पीछे वो तैयार होते हैं, नेपथ्यशाला। और उसी नेपथ्यशाला की हिंदी है, सॉरी इंग्लिश है, ग्रीन रूम। एक्टर्स गेट रेडी इन द ग्रीन रूम, एक्टर्स तैयार होते हैं ग्रीन रूम में। ये हिंदी हो गई सेंटेंस की। अब देखिए हेयर ब्रेथ एस्केप, इसको पढ़ते हैं ब्रेथ।
एस्केप तो आप जानते हैं आप सब, एस्केप मतलब बचना, तो हेयर ब्रेथ मतलब बाल की चौड़ाई से बचना, बाल की चौड़ाई से बचना। आपने कभी सुना है कि बाल की चौड़ाई कितनी होती है? अगर साइंस की बात नहीं करें तो नहीं पता है हमें कि बाल की चौड़ाई भी होती है, इतना पतला सा होता है बाल की चौड़ाई की बात नहीं करेंगे। लेकिन हेयर ब्रेथ स्केप का मतलब क्या होगा कि इतना जिसकी चौड़ाई का गणना भी नहीं कर सकता आसानी से हम, वैसा बचना। इसको बोलते हैं बाल बाल बचना। यार हेयर है ही, यहाँ भी बाल है, हे बाल बाल बचना होता है इसका हिंदी, हेयर ब्रेथ स्केप। स्केप का मतलब बचना ही होता है, तो जो इंग्लिश है वैसा ही हिंदी इसका भी, डिफिकल्ट नहीं है, याद रहेगा आपको। पहला जेंटलमैन एट लार्ज, अविश्वसनीय आदमी, दूसरा गुड समरिटन, दयालु व्यक्ति, तीसरा ग्रीन रूम, नेपथ्यशाला, और अभी कंप्लीट कर लिया हेयर ब्रेथ स्केप, बाल बाल बचना। अब है हेन पेक्ड हस्बैंड। हेन पेक्ड का मतलब समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, इसका मतलब होता है डरपोक, और हस्बैंड का मतलब सबको पता है डरपोक पति। तो डरपोक पति किसी पत्नी का ही पति होता है ना, मतलब वो पत्नी से ही डरता है ना, तो जो पत्नी से डरता है उसे बोलते हैं डरपोक पति। और डरपोक पति आप जानते हैं पत्नी का मतलब जोरू भी होता है और गुलाम, डरपोक है तो क्या करेगा, जोरू की एक एक बातों को मानना ही मानना है उसको, इसलिए हैंडपेक्ड हस्बैंड के लिए बना है जोरू का गुलाम। A hand-picked husband never contradicts his wife. एक जोरू का गुलाम never contradicts. Contradicts मतलब विरोध करना, विरोध करता है हो जाएगा यहाँ पे। एक जोरू का गुलाम कभी भी, never मतलब कभी भी, विरोध करता है, यहाँ never है ना, कभी भी नहीं, विरोध करता है his wife अपनी पत्नी का। तो इस तरह से हमने देखा पांचों के पांचों आज के idioms और phrases, gentleman at last, good samaritan, green room, hair breath escape and hand picked husband।